कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे स्वामी जी आ गए हैं। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत सबको। हरिओम तत्सत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम शुभ आशीर्वाद। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। और स्वामी जी का परसों बर्थडे था तो प्लीज उनको आप उनसे आशीर्वाद ले, उनको भी ब्लेसिंग दे कि वो शतायु हो, स्वस्थ होके दे। मुझे तो पता चल गया था तो मैंने तो उनको ब्लेसिंग किए थी, आप लोग भी कर सकते हैं। स्वामी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत मंगल हो, कल्याण हो, बहुत कृपा है प्रभु की कि क्षमा चाहते हैं कल का हम नहीं कर पाए क्योंकि गीता नहीं, चलता स्वामी जी कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता है। और आप भी किसी काम में थे, किसी और की यहाँ कर रहे थे तो वो आप बहुत जरूरी काम कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है। 8 दिन के लिए वो लगातार यज्ञ चल रहा था जी, तो कल जी, कल जी, ही समाप्त हुआ है तो इसीलिए हमने बहुत बढ़िया, बहुत ही आपने अच्छा कार्य किया है। नहीं ठीक है, भगवान की कृपा है आप सब। आज तो उमा उमा पोपली जी भी दिखाई दे रही है मुझे शायद। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में, बस इसी तरह जुड़ी रहिए और आनंद लीजिए। 15 दिन में एक बार भागवत और बाकी टाइम गीता का आनंद बरसता है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब लोग, बहुत सुंदर। और आज हमें विशेषता बहुत अच्छा लगा कि आते ही भजन का ध्वनि कान में पड़ा। आपने आदेश दिया था स्वामी जी, इसलिए उसका पालन किया। हाँ ना, बहुत अच्छा कि आपने ध्यान किया उस बात के लिए, उस बात का धन्यवाद है। और बहुत उससे भी मन को भी शांति मिलता है और वातावरण स्वच्छ हो जाता है शुरू करने से पहले सत्संग। तो अभी कुछ शुरू करें मेरे ख्याल ना, समय तो हो गया है। स्वामी जी सबको म्यूट आप कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। आज श्री राम जी नहीं दिख रहे ना अभी, अभी? क्या नहीं आए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सबको पितृ पक्ष के अभी कुछ ही दिन बचे हैं, पितृ पक्ष के उस पूजा का भी आपको हमने उसका थोड़ा सा विधान समझाया था। और अभी 2-3 दिन में नवरात्रि भी शुरू हो जाएगा 9 दिन का, तो बहुत ही शुभ मंगल समय है भगवान के चरणों में जुड़ने का। और हम हर समय ही अच्छा रहता है वैसे सत्संग का तो, लेकिन ये जो है विशेषतः अक्टूबर का समय बहुत कुछ रहता है। तो चलिए हम हाथ जोड़ें, भगवान का ध्यान करें, 3 ओम के साथ आज का सत्संग आरंभ करें। ओ ओ श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मय नंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को, सब धर्मों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। ऐसे ही भगवान से जुड़े रहें, हरि भक्त रहें और अपना भी कल्याण करें और साथ में जो जो आपसे जुड़े उनका भी कल्याण हो।
तो चलिए सब सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें और उनका दिया हुआ जो आज का मैसेज है उसको पढ़ें। स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस दिव्यात्मन शुभ आशीर्वाद, मेडिटेट अपॉन पीस। तो शांति पर ध्यान लगाइए, क्योंकि शांति सबसे दुर्लभ वस्तु है। सब कुछ मिलता है, शांति नहीं मिलता है। फील यू आर एंटरिंग इन टू द सुप्रीम साइलेंस ऑफ द सेल्फ। तो जब आप अपने अंतःकरण में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको शांति का निवास स्थान प्राप्त होगा। वहां पर अद्भुत शांति रहती है। द विस्पर्स ऑफ द अनकॉन्शियस डिजायर्स आर हश्ड। तो वहां पर आपके अंदर से जो ध्वनि मन की तरंगे निकलती रहती हैं वहां पर शांत हो जाती हैं आपके हृदय की गुफा में। तो वहां पर हिसिंग ऑफ अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन सीज। तो वहां पर कुछ भी जो दिमाग में उल्टा सीधा थॉट्स आता रहता है वो भी शांत हो जाता है। एंड द क्लैमर ऑफ द सेंसेस इज सबड्यूड। तो जो इंद्रियां इधर उधर भागती हैं वो भी स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जब आप निद्रा मग्न होते हो तो तब आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, संसार का कुछ संबंध टूट जाता है, आप एकदम आनंद में होते हो। ऐसे ही जब हम अपने अंदर जाते हैं तो सेंसेस स्वतः ही शांत होती हैं। ऑल द नॉइजेस ऑफ द लिमिटेड वर्ल्ड आर ड्राउंड एंड ट्रांसेंडेड। तो ये जब हम ध्यान करते हैं इस प्रकार, तो ये संसार की जो शोरगुल है, जो आवाज है, तो वो सब शांत हो जाता है और आप उससे पार होकर अपने स्वरूप में चले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप जागे हैं, आपको पता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, और जब आप सोते हैं तो आपको शांति तो मिलता है लेकिन उसमें अविद्या का लेश रहता है। देर इज अ ट्रेस ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज वो तो आपको केवल शरीर को विश्राम मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज व्हाई व्हेन यू मेडिटेट इट इज ऑल द सेजेस सेंट्स स्क्रिप्चर्स गाइड अस कि ध्यान करो और ध्यान से अपना कल्याण करो। यू आर लाइक द स्काई बियॉन्ड द थंडरिंग क्लाउड्स ऑफ मेंटल एजिटेशंस। तो जिस प्रकार कितने ही बादल गरजें, कितना ही बिजली कड़के, उस आसमान को, उस आकाश को एक छोटा सा खरोश भी नहीं रहता, कुछ भी एक निशान भी नहीं रहता, वो स्वच्छ रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बादल काले हैं या गोरे हैं, चमक रहे हैं, बारिश है या अथवा धूप है, वो सम रहता है। तो ऐसे ही आपके अंदर का जो शांति है वो सम ही है, शांत ही है, लेकिन हम जब संसार में विचरते हैं तो हम सुखी या दुखी हो जाते हैं। You have entered into the depths of your soul. तो जैसे जब आप ध्यान करते जाएंगे तो आप अपने हृदय की गुहा में प्रवेश कर लेंगे और वहां शांति है, विश्राम है और अद्भुत आपको उसका शक्ति प्राप्त होता है। और जब आप उससे बाहर आते हैं तो हंस की तरह बाहर निकलते हैं, कौए की तरह घुसो, हंस की तरह निकल आओ। तो धीरे धीरे, एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट लाइक एवरीथिंग एल्स। तो उसमें हमें नियम बांधना पड़ता है, इतने समय हम इतने बजे से इतने बजे तक ध्यान करेंगे। तो वो आइडियली ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा रहता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो ये बहुत सुंदर आज का संदेश था, आशा है कि हम धीरे धीरे जीवन में इसको उतारेंगे और अपना भी कल्याण इसी माध्यम से करेंगे। तो चलिए अब हम गीत गा लें। हम अपना वो छोटा सा मंजीरा ढूंढता था लेकिन अभी दिखता नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि भजन में मुख्य आवश्यकता रहती है भाव की, भाव। स्वामी जी, मैं इधर से बजाने की कोशिश करूं अगर मैच हो जाए तो? हाँ, कर लीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी, आप अगर अन हो गया मैच तो मैं कंटिन्यू रखूंगी, नहीं छोड़ दूंगी ना। हाँ अन जी अनम्यूट कर लें। ठीक है, जी आप अनम्यूट अपना कर ठीक लिया। है, जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये भजन गाते हैं, आ जाओ बंदे गुरु की शरण, ऐसे चलता है। आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे गुरु
गुरु की शरण, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से मिटे सारे भ्रम। आ जाओ बंदे गुरु की शरण, जन्म मोलक बिना दाम जाए, गया वक्त तेरा वापस न आए। अब भी समय है, अब भी समय है, कर ले मनन, आ जाओ बंदे गुरु की शरण। गुरु की चरण रज मस्तक धर ले, उनकी कृपा से भव पार कर ले। निश्चय ही होंगे, निश्चय ही होंगे प्रभु दर्शन। आ जाओ बंदे गुरु की शरण। गुरु जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, हृदय में उनके करुणा समंदर। कर दे तू जीवन, कर दे तू जीवन उन्हें अर्पण। आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे गुरु की शरण। बहुत सुंदर स्वामी जी, इतना सुंदर भजन है, इतना सुंदर आपने गाया है, बहुत सुंदर। हरिओम हरिओम तत्सत। ठीक है, ये भाव की प्रमुखता है, बाकी तो सब चलता है सुंदर तरीके से। तो चलिए हम अपने यज्ञ को आगे बढ़ाएं। आज हम पृष्ठ नंबर 263 अथ सप्तमो अध्याय तृतीय स्कंद, तो तीसरे स्कंद का सातवां अध्याय आज हम लेंगे। चर्चा हो रही थी विदुर जी की, विदुर जी जो धर्मराज का ही एक रूप है महाभारत में, और वो महाभारत का युद्ध नहीं लड़े थे। पीछे हमने उनका अध्ययन किया था, पीछे जब हम दो हफ्ते पहले मिले थे, पूरा उनका जो वार्तालाप हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले उद्धव जी से था, अब उद्धव जी ने उनको बताया था कि तुम मैत्रेय जी के पास जाओ। मैत्रेय जी भी एक बहुत बड़े ऋषि हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि आप ये ज्ञान विदुर जी को देना। तो मैत्रेय जी का ये भाषण सुनकर, तो ये पिछले दो जो 5 और 6 अध्याय है वो हम बहुत गूढ़ रूप से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं, सृष्टि का जो है निर्माण कैसे होता है। तो अब उसको आगे, उस पर विश्लेषण करते हुए आगे मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं। विदुर जी पूछते हैं, ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, अर्थात भगवान शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, और उनमें गुण भी नहीं है और विकार भी नहीं है। क्या मतलब? हम लोग गुण के अंतर्गत रहते हैं, कभी सत्वा में तो कभी रजस में तो कभी तमस में, तो भगवान की अवस्था गुणातीता कही जाती है। ऐसे ही जो साधु संत साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, व्हाट वी कॉल देम एज सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स, दे आल्सो अचीव दैट स्टेट। तो निर्गुण है और उनमें कुछ विकार भी नहीं रहता, लेकिन हम में तो विकार है, कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख तो कभी दुख। इसके साथ उसके साथ लीला से भी गुण और क्रिया से संबंध कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं विदुर जी
कि जब भगवान निर्गुण हैं और वो निर्विकार हैं, तो वो कैसे ये संसार, ये माया जाल में कैसे वो इसका माया से संबंध हो ही कैसे सकता है? विच इज नॉट अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि भगवान जब उनमें कुछ निर्लिप्तता है, वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, तो ये माया कैसे हो गई? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, जब छोटे होते हैं बच्चे, हम भी थे ऐसे ही, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। तो किंतु भगवान, भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, अर्थात वो तो, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वही तो चतुश्लोकी है जो हमने पढ़ी थी, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम, मतलब पहले भी कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं रहेगा, बीच में भी मैं ही हूँ। ये इन्होंने चतुश्लोकी सुनाई थी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने शुकदेव जी को, शुकदेव जी ने परीक्षित जी को। और यही भागवत का आनंद अब हम सब भी ले रहे हैं इन सब की कृपा से। तो लेकिन बात यह है कि भगवान जब पूर्ण काम है, असंग है, तो वह क्रीड़ा के लिए संकल्प ही क्यों करेंगे? व्हाई विल गॉड क्रिएट, अदरवाइज द क्वेश्चन बिकम्स व्हाई डिड गॉड क्रिएट दिस वर्ल्ड। और सब साधु संत आपको यही बताएंगे कि इसके दो ही रूप हैं, एक तो संसार है ही नहीं, अर्थात जैसे आपका सपना है भी और नहीं भी, ऐसे ही संसार है भी और नहीं भी। दूसरी बात कि भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है। माया का मतलब ही इल्यूजन होता है। रामलीला क्या हुई कि राम की लीला, लीला मतलब अब केवल वो कहानी दोहराओ उसकी, ध्यान करो, असली थोड़ा ही है, तो वो लीला है। ऐसे ही जैसे मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा मीनिंग मिराज, तो आपको दिखता है लेकिन नहीं है, ये हमारा अपना अनुभव है। गर्मी में हमें दिखता ही है जल, वहां जाओ तो कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वह इसका पालन करते हैं, फिर उसी से संहार भी करेंगे। तो ये माया ही ऐसी है, माया मतलब इतनी सत्य दिखती है कि हम उसमें रम जाते हैं, और उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमें समझ आ जाता है, हम पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम जीवन जीते हैं तो हम उसी माया में ही बह जाते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से, अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? ये सब विदुर जी के प्रश्न हैं। विदुर जी आपको याद होगा कि बहुत समझदार थे, दासी पुत्र थे, लेकिन सारी उम्र उन्होंने एक मंत्री का कार्य किया था, तो बहुत गूढ़ गूढ़ प्रश्न पूछते ही हैं, और वही उनका कार्य भी रहा था। और ये ज्ञानी भी बहुत थे, क्योंकि धर्मराज का रूप है, महाभारत में दो धर्मराज हुए हैं, एक युधिष्ठिर, दूसरे विदुर जी। तो एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब भगवान पूरे ब्रह्मांड को रचते हैं, तो फिर ये इसमें क्यों फंसने वाले हैं? क्यों माया बन गई? क्यों हम लोग क्रिएट हो गए? ये मल्टीप्लिसिटी क्या चीज है? फिर इसके अंदर हम कौन हैं? ये सब कई प्रश्न उठते हैं। तो भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। सोचिए, ये विदुर जी जैसे इतने बड़े ज्ञानी, वो भी इसमें भ्रमित हो गए हैं, गुम गए हैं, और बोलते हैं मेरा मन अब खिन्न हो रहा है, मतलब आई एम वेरी सैड, आई एम नॉट फाइंडिंग पीस। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। मोह क्या है कि जब हम अपनी वास्तविकता को खोकर गलत रास्ते पर पकड़कर उसी को ठीक समझते हैं, वही तो मोह है। मोह मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि अटैचमेंट है, सब कुछ है, लेकिन मोह, मोह से कल्याण होता ही नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ऑल दीज आर वाइसेस, सो वी हैव टू कंसिडर टू बी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ये सब हमारा मंगल नहीं करते हैं, हमारा, हमको शुष्क कर देते हैं। तो ये इनके प्रश्न हैं विदुर जी के। तो श्री शुकदेव जी कहते हैं, शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, केवल 16 वर्ष की आयु है, लेकिन बहुत ब्रह्मांडीय ज्ञान उनके पास है, तभी वो ये पूरा ज्ञान परीक्षित को देते हैं। परीक्षित आपको पता ही है, अर्जुन के पोते।
अर्थात अभिमन्यु के पुत्र। तो तत्व जिज्ञासु विदुर जी की ये प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो तत्व जिज्ञासु विदुर जी कौन है? वो एक आइडियल साधक हैं। अच्छे साधक कौन होते हैं? जो स्पंज की तरह हो, अपने आप को निचोड़ के जो ज्ञान मिलता है उसको स्पंज की तरह अपने अंदर डाल लें, जितना जल जितना कुछ मिलता है उसको डालें, फिर घर जाकर उसका मनन और निधिध्यासन करें, अर्थात जो बटोरा अब उसको तुम एनालाइज करो। जैसे गाय जुगाली करती है, उसके बाद वो खाती है झट से, लेकिन बाद में वो आनंद लेती है, ऐसे ही ये सत्संग का भी मार्ग रहता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो है तत्व जिज्ञासु हैं, अर्थात एक पात्र हैं, ही इज अ डिजर्विंग एस्पायरेंट, जिनको ये ज्ञान मिलना ही चाहिए। ये प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। देखो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, जो भी भगवान के करीब होंगे उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होगा। जो थोथा चना है वो बाजे घना है, थोथा चना बाजे घना, और जो बहुत भारी रहता है उनकी वाणी भी मधुर होती है, बोलते भी कम हैं और बहुत प्रभावशाली भी होते हैं। संत जो असली संत महापुरुष हैं वो उनके तो देखने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। तो जब हम प्यार से प्रश्न पूछते हैं फिर वहां से उत्तर होता है, तो हम भी फिर साधक बन जाते हैं जैसे विदुर जी हैं। तो श्री मैत्रेय जी बोलते हैं अब इन प्रश्नों की उत्तर के लिए। प्रश्न आप समझ गए क्या पूछ रहे हैं, कि संसार क्यों बना, ये क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों करेंगे इत्यादि। तो भगवान कहते, ये भगवान ही होते हैं, ये साधु संत भी कोई फर्क नहीं है, तभी बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अर्थात पहले गुरु के पांव पकड़ो फिर भगवान आएंगे। तो जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, श्री मैत्रेय जी बताते हैं, जो आत्मा अर्थात आपके अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उस ना दिखने के कारण ही आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते पढ़ते लिखते जो कुछ भी करते हो सब उसकी देखरेख में उसके प्रकाश में संभव हो पाता है, वरना संभव ही नहीं होगा। तो जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, मतलब जो आत्मा जहां से सब कुछ ब्रह्मांड बन जाता है वही कैसे बंधन में फंसता है और दीनता, दीनता मतलब इन अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स प्राप्त हो। ये बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। तो बहुत गूढ़ तरीके से समझाते हैं कि देखो इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन यू आर एस्किंग ओ विदुर जी, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस माया इज वेरी परप्लेक्सिंग, बड़े बड़ों को ये कंफ्यूज कर देती है। अतः ये ऐसे लगता है कि कैसे आत्मा जो भगवान का ही अंश है वो कैसे बंधन में पड़ सकता है, ये लेकिन माया का खेल है। तो जिस प्रकार, अब आगे दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी सत्यवत दिखाई देता है, जैसे बोलते हैं कबीर दास जी, जो सर सपने काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना होई। जब सपना आ रहा है और सपना बुरा सपना है कि कोई हमारा सिर काट रहा है तो बहुत पीड़ाजनक सपना है, तो जब तक आप उसमें से जागेंगे नहीं तब तक आपकी पीड़ा कम नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं है। जब तक केवल एक ही सॉल्यूशन है कि उठ जाओ, जैसे ही आप उठोगे तो देखोगे ये तो ना तो सिर ही कटा है ना तो मारने वाला ही असली है और आप तो केवल अपने बिस्तरे पर ही हैं, तो ये सब मिथ्या था, मिथ्या मीनिंग माया, इल्यूजन था। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं, जैसे ये सत्य लगता है ना, सपना सत्य लगता तो है, रंग भी दिखता है स्पष्ट, वाणी भी सुनते हैं और आप ही का स्वरूप ये सब बना लेता है, अलग अलग पहाड़ भी और अच्छे सपने भी बुरे सपने भी सब तरीके से, तो ये दिखते हैं सत्यवत दिखते हैं लेकिन उठने पर सत्यवत नहीं रहते। उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि ना होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं, जैसे सपना तुमको असली प्रतीत होता है लेकिन असली नहीं है, ऐसे ही ये भी आत्मा का भी जो रूप हम देखते हैं वो नहीं है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति
क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में प्रतिबिंब न होने पर भी भासती है, अर्थात आगे इसको बढ़ाते हैं कि ईश्वर में प्रतीति क्यों नहीं होती, अर्थात रिफ्लेक्शन की तरह समझो। इसको ये समझा रहे हैं कि जैसे जल में कंपन होता है सूर्य का, सन इज ओनली वन, बट उसके प्रतिबिंब कितने होंगे? असंख्य प्रतिबिंब होंगे। इट विल हैव काउंटलेस रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन। इन एवरी सन इट विल क्रिएट अ रिफ्लेक्शन। तो अभी कुछ रिफ्लेक्शन गंदे पानी में पड़ेंगे, कुछ स्वच्छ पानी में पड़ेंगे, लेकिन हिलेंगे सब। जब जल हिलेगा तो रिफ्लेक्शन भी हिलेगा, रिफ्लेक्शन हिलेगा तो सूर्य भी हिलेगा, लेकिन ऊपर वाला सूर्य तो नहीं हिल रहा, यहाँ वाला सूर्य हिल रहा है। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं, उसी प्रकार देह अभिमानी जीव में ही देह मिथ्या के धर्मों की प्रतीति होती है। सो वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिकॉज वी आर लुकिंग एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन द जार ऑफ वॉटर। तो हमारा जार, किसी का मोटा जार, किसी का छोटा जार, किसी का बड़ा जार, तो हम अपने अपने प्रतिबिंब को देखकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन वो प्रतिबिंब के कारण हमको कंफ्यूज करता है। जैसे आपकी आंख भी अपने आप को नहीं देख सकती, सबको देख लेगी लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रतिबिंब चाहिए, शीशा चाहिए, मिरर जिसको बोलते हैं। सो देन यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू सी योरसेल्फ, देन यू नो यू लुक लाइक दिस, अदरवाइज हाउ डू यू लुक लाइक? इफ यू हैव टिश्यू ऑन योर फेस एंड नोबडी टेल्स यू, यू विल गो विद इट लाइक दैट इफ यू डोंट गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो जब जैसे ही आपका सामने वो आएगा, आप देखोगे, बोलोगे ओ ये कैसे, फिर आप ठीक कर लोगे। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि ये जो प्रतिबिंब हैं, ये केवल जीवात्मा में रहता है, परमात्मा में प्रतिबिंब नहीं है, जीवात्मा में है। सूर्य तो एक ही है सूर्य मंडल में, लेकिन उसका कितना प्रतिबिंब हो जाता है। इसी प्रकार निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा ये प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि जब तक आप निष्काम भाव नहीं करेंगे, जब तक जल मटैला है, मिट्टी पड़ा है और उसके अंदर प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, तो उसका तरीका क्या है कि हमें धीरे धीरे शुद्धिकरण करना होगा, उस जल को स्वच्छ करना होगा, पवित्र करना होगा। हम खुद ही देखते हैं गंदे नाले में तो कुछ भी नहीं दिखता, और स्वच्छ नदी में जाओ तो एकदम सब कुछ, एकदम प्रतिबिंब भी दिखता है और नीचे एक एक कण भी, एक एक पत्थर भी दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ है, क्लीन है। सो दैट इज व्हाई गॉड इज सेइंग कि ये जो हम करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब जो है हमारे इसको स्थिरता लाता है, हमारे आत्मा में हमारे जल को शुद्ध कर रहा है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अब आगे समझाते हैं कि जब हम आपकी ये समस्त इंद्रियां, इंद्रियां मीन सेंसेस, आंख क्या करेगी? बाहर देखेगी, कान बाहर से सुनेगा, नाक बाहर से सूंघेगा, जीव बाहर से चखेगी, त्वचा बाहर से महसूस करेगी, यही तो होगा। तो भगवान बताते हैं कि जिस समय ये विषयों से हट जाए, कछुए की तरह बंद हो जाए, तो उस समय कहाँ पर ध्यान लगाए? भ्रकुटी में, अपने मन के भ्रू मध्य के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहां पर हमारा ये आप देखते हैं तिलक देखते हैं यहाँ पर, तो ये जब यहाँ पर हम ध्यान करते हैं, तो करते 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 हमें संसार से विराम हो जाता है और ध्यान अपने प्रभु में चला जाता है, अपने इष्ट देव पर ध्यान करें। तो जब परमात्मा में निश्चल भाव से स्थिति हो जाती है, निश्चल मीन्स प्योरिटी, प्योर भाव से, मतलब कोई जल्दी में नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, ऐसे नहीं, मतलब प्यार से, प्यार से, जैसे अब आपके पास समय है, और जब तक सत्संग में आनंद नहीं आए तब तक हमारी स्थिति मटैले जल वाली ही है। जब आनंद आने लग जाए, सत्संग से जुड़ जाओ और अंदर से वैराग्य आना शुरू हो जाए, संसार धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाए, भगवान
के लिए आप और समय निकाल रहे हो, तब समझो कि भगवान आपसे अति प्रसन्न है। ही इज गिविंग यू ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड योर डायमेंशंस एंड ग्रो। तो वो एक अच्छा साइन है आप सबके लिए यदि ऐसा हो रहा है तो। तो उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जैसे, तो जब आप ऐसे ध्यान करते हो तो वही सिचुएशन हो जाती है एज इफ यू आर डीप इन डीप स्लीप। तो डीप स्लीप में आपको कितना सुख प्राप्त होता है, आप उठ के बोलते हो अरे मजा आ गया, इतना अच्छा नींद, बहुत दिन बाद इतना अच्छा नींद आया, क्योंकि स्वप्न में भी आपको नींद नहीं मिल रहा है। इन ड्रीम्स यू आर नॉट स्लीपिंग फुली इन योर ड्रीम। बाहर आपका फिजिकल बॉडी चलता फिरता है, ड्रीम में आपका एस्ट्रल बॉडी चलता फिरता है, मन फिर भी घूम रहा है, तभी तो आपको ये सब दिखता है, यू हियर वॉइसेस एंड ऑल दैट, सो यू आर स्टिल एक्टिव। बट देन व्हेन यू गो इनटू डीप स्लीप, जब आपको गूढ़ निद्रा आ जाता है, वो जितनी भी देर के लिए आता है वो तृप्त करने वाला होता है। दैट इज द वन दैट गिव्स यू जॉय एंड कंटेंटमेंट, बिकॉज उसमें आपका मन जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, द माइंड बिकम्स टोटली वॉइड, नो थॉट्स आर कमिंग इन। तो उस समय आपका जो शक्ति मिलता है, संचार होता है, वैसा ही जब आप ध्यान करते हैं तो उसी स्थिति में आप आ जाते हैं। बट दिस इज कॉल्ड द काउंटर पोर्शन ऑफ डीप स्लीप विच इज अवेक एंड मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, वो है दोनों ही, सपोज एक 10, दोनों 10 नंबर हैं, लेकिन एक -10 है और एक +10 है, समझ गए? +10 एंड -10 में 20 का फर्क रहता है ना? एंड नाउ यू कैन यूज इट, यूज योर इमेजिनेशन। जैसे अब अपना प्रतिबिंब देखते हो, तो प्रतिबिंब में क्या दिखता है? व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लेक, यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द लेक। इन द रिफ्लेक्शन फर्स्ट यू सी योर फीट, डोंट यू? Then you see your torso, then you see your chest, then you see your neck, and in the end you will see your head. समझ गए? तो एकदम उल्टा हो गया। आप यहाँ तो ऐसे खड़े हो कि आप सीधे हो, लेकिन प्रतिबिंब में सब उल्टा आ जाता है, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। तो ऐसे ही भगवान भी बताते हैं यही कि धीरे धीरे जो ये हमारा कॉन्शियसनेस से जब हम जागते हैं तो और ध्यान करते हैं, तो वो आपकी चेतना का विस्तार करता है। जबकि आप सोते हो, आराम तो मिल रहा है, डेफिनेटली यू आर फाइंडिंग रेस्ट एंड ऑल दैट, बट यू विल नेवर चेंज, यू विल बी द सेम पर्सन। इवन क्रिमिनल्स गेट डीप स्लीप, गुड पीपल गेट डीप स्लीप, तो सबको आता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अहंकार वैसा ही रहेगा, इग्नोरेंस वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा ब्रेक मिलता है बॉडी के लिए। लेकिन जब आप अब जैसे प्रयास कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, दिस इज अ चॉइस, टू डू और नॉट टू डू इज अ कॉन्शियस डिसीजन। तो आपने अपना निर्णय लिया कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए। अब कोई बच्चा पढ़ के फर्स्ट आ जाता है, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फेल हो जाता है, तो टीचर के लिए तो दोनों सम है, उसने तो उतना ही पढ़ाया, सब कुछ बताया, ये भी बताया, वो भी बताया, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब बता दिया। लेकिन जो जो पात्र है वो आगे बढ़ जाएगा, जो पात्र नहीं है वो धक्का खाएगा। और ऐसे ही संसार में भी होता है, जो लोग इस बात को समझ कर अपना जीवन सुधार लेते हैं वो उनका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं करते तो फिर बोला जाता है उनके लिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुक गईं खेत। तो जब खेत बारिश आ रहा है उस समय हल चला लेना चाहिए, बहुत अच्छा बात है। और अब जब आपका शरीर स्वस्थ है, एबिलिटी है, भगवान ने इतने सुख दिए हैं, तो इस तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो असीम कृपा प्रभु की समझिए और गुरु की, उसके बिना ये संभव नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है, क्योंकि वो पूर्ण कला से युक्त हैं। 16 की 16 कलाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा में होती हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग हम सुनते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, फिर पूर्णमासी आ जाती है जब पूरा चंद्रमा दिखता है। ऐसे ही भगवान जो हैं ये श्री कृष्ण, कृष्ण का मतलब ही आकर्षण होता है, तो ये उनका ये हमारे सब दुखों को शांत कर देता है। और फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जाग पड़े,
तब तो कहना ही क्या है। जब देखने मात्र से ही हमारा दुख शांत हो जाता है, तो यदि गोपी की तरह बन जाओ, शबरी की तरह बन जाओ, तो बात ही क्या है, फिर तो बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि हर तरफ सोते उठते बैठते जागते सब हर समय आप अपने प्रियतम के साथ हो, यू आर विद योर बिलवेड श्री कृष्णा, और वट एवर डीएटी यू हैव, वट एवर इष्ट देवता यू हैव, कृष्णा, क्योंकि भागवतम में कृष्ण प्रमुख हैं, इसीलिए उनका बताया गया है। लेकिन वरना वो तो प्रभु हैं, भगवान हैं, भगवान के पास कुछ भी लिमिटेशन नहीं रहता है। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, आप ये मतलब जानते ही हैं कि कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। तो उसमें हमें किस भी दृष्टि से देखो, और यदि अलग इंडिविजुअली भी आपके इष्ट देवता हैं, तो दूसरे भगवान जलस नहीं होंगे। दूसरे बात, अगर आप उन्हीं का पूजा करते हो वो भी अच्छा है, औरों का करते हो तो वो भी अच्छा है। तो जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो, आप केवल अपने माता पिता का ही बर्थडे थोड़ी मनाते हो, अपने अंकल्स का भी, आंटीज का भी, बच्चों का भी, नेफ्यूज का भी, सबका करते हो। ऐसे ही जब आप अलग अलग भगवान का, आपके इष्ट देव सपोज कृष्ण है और आप नवरात्रि आता है तो देवी का भी पूजन करते हो, तो मना थोड़ी है, भगवान कृष्ण जलस थोड़ी हो जाएंगे कि तुमने क्यों देवी का पूजन। हम लोग कभी मूर्खतावश इतना बहुत कुछ अपने आप को फंसा लेते हैं कि नहीं हम शिव हैं या हम वैष्णवाइट्स हैं, ये है वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक ही है, एक ही पहाड़ पर चढ़कर एक ही चोटी पर पहुंचना है, वहां से सब कुछ एक ही हो जाता है। लेकिन जब तक आप चढ़ रहे हो तो अपना रास्ता पकड़े रखो, वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ आनंद भी ले लो, वो भी प्रिस्क्राइब्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में। यही तो सनातन धर्म की खूबी है कि आपके पास इतने लड्डू हैं, इतने चॉइसेस हैं, इतना कुछ आपके पास है कि जैसा मर्जी, जिस भी मर्जी विधि से आप भगवान पर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो विदुर जी अब पूछते हैं, विदुर जी पूछते हैं कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं, अर्थात अब मेरे को पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जैसे सपने में ये प्रतिबिंब ये हमें दिखता है मिथ्या दिखता है, और जल का, सूर्य का रिफ्लेक्शन हमें मिथ्या दिखता है जल में, इसी तरीके से सूर्य तो एक ही है, ऐसे ही जब हम उठते हैं हम तो वही हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों को खूब प्रवेश कर रहा है और समझ रहा है। तो देखिए, विदुर जैसे जी भी जो धर्मराज थे और इतने बड़े ज्ञानी थे, वो भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार ये प्रश्न हमारे कल्याण के लिए पूछे जाते हैं, जैसे बार बार अर्जुन ने गीता में प्रश्न किए थे, किसके लिए, आपके और हमारे लिए, उनका तो कल्याण हुई, नर नर और नारायण कौन है, नर हम हैं, तो हमको ज्ञान चाहिए और अर्जुन हमारे प्रतिनिधि बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी विदुर जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी फिर हमको धीरे धीरे उसका तात्पर्य समझा रहे हैं। तो विद्वन, आपने ये बात बहुत ठीक कही है कि जीव को तो क्लेश आदि प्रतीति होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। तो अब उनको कोई संशय नहीं रहा, इनको, विदुर जी को, कि माया ही वास्तविक रूप से हमको मोहित करती रहती है। यह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल है, क्योंकि इसका मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये जो समस्या हम पड़ जाते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्यों है, मतलब यही है कि भगवान हम माया के अंतर्गत हैं और भगवान माधव हैं। माधव मतलब माया के पति, इसीलिए बोलते हैं कृष्ण माधव गोविंद बोल, माधव माया के पति धव। तो हम तो माया के अंतर्गत हैं और वो माया को क्रिएट किए हैं, तो ये फर्क है। इसीलिए हम भगवान का ध्यान करते हैं कि अंततः उनकी कृपा जब बरसेगी और हम उनके साथ एकीकरण का महसूस करेंगे, उसका आनंद महसूस करेंगे, तो उनकी भी कृपा दृष्टि बरस सकती है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। दो ही प्रकार के लोग कौन से जिनको सुख मिलता है, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान के को प्राप्त कर चुके हैं। अब जब टीचर प्रश्न पूछता है कि कुछ समझ आया, कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, तो दो ही लोगों को क्वेश्चन नहीं होते, दो ही लोगों को क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकियों को तो क्वेश्चन होंगे।
पहला कौन सा है जिसको क्वेश्चन नहीं होंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो क्वालिफाइड ही नहीं है। अब थर्ड ग्रेड के बच्चे को पीएचडी का डिग्री का कोर्स दे दो, बेटा ये पढ़ो, वो कैसे पढ़ेगा, उसके पास वो अभी स्थिति ही नहीं आई, वो तो अपना 2+2=4 सीख रहा है। तो वो उसको कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विषय है, विषय इतना ऊंचा है कि वो उसकी पात्रता से बाहर है, बियॉन्ड हिज केपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट इन दिस फेज यू कुड से कि इंटरेस्ट नहीं है या जो भी है, जो भी कारण है। एक तो वो हो गया कि उनको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। दूसरा वो है जो ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी है, वो अब सब सीढ़ी पार कर चुका है, वो खुद ही क्लास को पढ़ा रहा है, अब वो क्या प्रश्न पूछेगा, ही इज द टीचर हिमसेल्फ। तो इन दो लोगों को प्रश्न नहीं है, बाकी सबको तो प्रश्न रहेगा कि स्वामी जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और हम कैसे करें अपना कल्याण। और वो सब अच्छा है, क्योंकि जब तक हमारे प्रश्न का संशय नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो वो सब तो उचित है। तो यहाँ पर भी यही बात स्पष्ट रूप से विदुर जी भी बोल रहे हैं कि बीच की श्रेणी में संशयापन लोग ही दुख भोगते हैं। तो जब हम संशय में हैं, अब क्या होता है, इग्नोरेंस इज पेनफुल, इजंट इट। जब तक हम अंधेरे में हैं, तो तब तक हमें रस्सी सांप की तरह दिख रही है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन हमको सांप की तरह दिख रही है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, वो ऐसी घूम के बैठी हुई है गोल गोल, और उसका फन सा निकला हुआ है, हमें लगता है अरे बाप रे यहाँ तो सांप है। अच्छा, अब वो आपके लिए तो सांप ही है ना, जब तक आपको कोई लाइट नहीं जला के दिखाता कि ये तो भाई रस्सी है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों ऐसे अपने आप को दुख दे रहे हो, कोई चिंता नहीं करो। लेकिन ये तो अब बाद में आप सीखोगे, अभी तो आपका वही रिएक्शन रहेगा कि जैसे आपके समक्ष एक सर्प है, आपकी प्रतिक्रिया, योर रिएक्शंस, एवरीथिंग विल बी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी वेरी अफ्रेड। और संशय क्या होता है, डाउट। जब तक डाउट हो, मतलब कि हमें ये वाला रास्ता पकड़ना चाहिए या ये वाला पकड़े, ये ठीक है या वो ठीक है, ऐसे करें या वैसे करें, इसने ऐसे बोला उसने वैसे बोला, अब हम किसकी बात सुने। इस तरीके से जब तक आप इस दुविधा में रहेंगे, तब तक आप कष्ट में रहेंगे, पेनफुल। वाई? बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग पीस, आपके पास शांति नहीं है, और अज्ञान हमें दुख का कारण है, अज्ञान ही तो दुख का कारण है, अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी, तब तक विद्या नहीं है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं बीच की श्रेणी के लोग दुख भोगते हैं, और वो तब तक भोगते रहेंगे जब तक दुख का निवारण नहीं होगा, मीनिंग टिल वी सॉल्व द प्रॉब्लम इट विल बी पेनफुल। भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। जैसे सपने में जो दिखता है वो है नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है, ओनली एन इल्यूजन। और आगे बढ़ाओ तो जो दिखता है वो भी है नहीं, प्रतीत ही हो रहा है, लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम उसको समझ पाए। वरना हम इतने साल पहले हम थे भी नहीं, अभी दिख रहे हैं, और मृत्यु के बाद दोबारा दिखना बंद हो जाएंगे। तो जो पहले नहीं दिखता, बाद में नहीं दिखता, तो अब कहाँ से दिख रहा है, ये भी मिथ्या रूप दीर्घ स्वप्न है, ऐसे समझना पड़ता है। दिस इज अ लॉन्गर ड्रीम, जैसे मैत्रेय जी समझाए हैं विदुर जी को। तो भगवान आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, प्रतीति मात्र है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। प्रतीति मीन्स जो दिख रहा है, ये भी वास्तविकता तो है नहीं, क्या है, मृग तृष्णा है, इल्यूजन है। जैसे हिरण बेचारे मरी जाते हैं ढूंढते ढूंढते, पानी पानी पानी, लगता है यहाँ पानी वहां पानी, रेगिस्तान में, इन द डेजर्ट देयर इज नो वाटर, सो व्हाट विल यू डू, व्हाट इज, व्हाट आर यू टू डू। जब तक आपको ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि ये अब पानी असली नहीं है, नकली पानी है, केवल दिखता है। ऐसे ही संसार के सुखों से एक्सपेक्टेशन करना कि ये संसार के सुख हमें तृप्त कर देंगे, ये भी वैसे ही मृग तृष्णा के समान ही जल को पीना है, मतलब आपकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, कहाँ से होगी, वो ये तो पदार्थ है, आज ये है तो कल वो है तो परसों वो है, अंत अंतहीन है, एंडलेस। सो यू फाइंड हैप्पीनेस विद इन, जैसे अभी
हम स्वामी जी बताए थे, ध्यान जब हम करते हैं, यहाँ पर भी विदुर जी भी यही बताते हैं, जब हम गूढ़ ध्यान करते हैं तो इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। तो जब भगवान के, और ये लोटस फीट इसीलिए बोला जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा भी यहीं से ही शुरू होता है, निज मन मुकुर सुधार। तो श्री गुरु, गुरु के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता, उस पे कोई भी कण नहीं जमता, सब कुछ करने के बाद पानी गिरते ही वो पानी की बूंद वो ड्रॉप बन जाती है, बीड बन के नीचे डाल देता है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेता। तो वो संसार में भी विचरते हैं लेकिन जग का कल्याण करते हैं, लेकिन उस जग से प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे ही वो बोलते हैं, जब आप भगवान के श्री चरणों को पकड़ लोगे, उनके चरण कमलों से प्रेम बन जाएगा, आंख से अश्रु अश्रु बहने लगेगा, मतलब भक्ति रस आने लगेगा। तो ये केवल ज्ञान का मार्ग नहीं है, इसमें भक्ति बहुत अनिवार्य है। भक्ति के मतलब, अदरवाइज यू विल बी इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट, यू कैन लर्न द गीता, यू कैन लर्न द श्लोकास, यू कैन नो द ऑल द स्टोरीज, बट देन व्हाट, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हम चाहते क्या है? हम कोई विद्वान बनना चाहते हैं या भगवान के समीप आना चाहते हैं? पहले तो ये प्रश्न पूछना होगा। और जैसे जैसे हम जो आपकी इच्छा होगी वही भगवान देते भी हैं, फिर वही वैसा ही होता है। तो इसी इस मार्ग के लिए तो इंटेग्रल योगा जिसको है, हाथ से काम करो, हृदय से भक्ति करो और मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करो, और ये सब कुछ बैलेंस में करो। जैसे आपको भोजन भी करते हो तो आपको बोलते हैं थोड़ा प्रोटीन खाओ, थोड़ा विटामिन्स, थोड़ा ये सैलेड, थोड़ा ये सब्जी, तो इससे क्या है, आपको पौष्टिक आहार होगा और पर्सनैलिटी वेल डिवेलप्ड हो जाएगा। तो यही ज्ञान हमको आज के कलयुग में तो इंटेग्रल योगा अर्थात सिंथेसिस, सिंथेसाइज, सब कुछ, संपूर्ण योगा जिसको बोला जाता है हिंदी में, संपूर्ण योगा तभी संभव होता है जब आप हाथ से दान करें, हाथ से ज्ञान बांटें, लोगों का कल्याण करें, जो भी गुण आपके पास हो वो उसका थोड़ा हिस्सा संसार को दें, धन के लिए नहीं, केवल वितरण के लिए। धन तो आप कमाते ही हो, सब कुछ, वो तो चलता, अंत ही नहीं होता, हम शरीर का अंत हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ समय निकालो जिसको बोलते हैं निष्काम सेवा। निष्काम मीन सेल्फलेस सर्विस, कि आपके पास कोई गुण है तो थोड़ा वॉलंटियर, थोड़ा डॉक्टर हो तो थोड़ा चैरिटी करो, लोगों का क्लिनिक्स में जाके किसी का मदद, गरीब लोग जाते हैं तो उनका थोड़ा देना, कितने आश्रम है बेचारे जो डॉक्टर्स बन के, और अगर आप थोड़ा भी करोगे तो आपको इतना शांति प्राप्त होगा कि आपको जो 10,000, 20,000, 50,000, मिलियन का चेक मिलता है वो तो आप यूज्ड टू हो जाते हो, बैंक में चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आप लोगों के आंसू देखोगे, उनका धन्यवाद देखोगे, एक गरीब इंसान आपका हाथ पकड़कर आपको आंसू दिखाएगा, उससे बड़ा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, वैसा धन आप कहीं पर भी नहीं कमा पाएंगे। तो ये बात हाथ से हमें इसलिए नहीं करो कि हमें हमें वो ऐसे हमें सुख मिले, इसलिए करो कि उनको सुख मिले, उनको सुख मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा ही, ये नियम है। अब हम देते हैं, आप हमें मान देते ही हो, तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब नॉट कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, आप नहीं भी देंगे तब भी हम ऐसा ही ज्ञान बांटेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो होगा ही, ये नियम बन जाता है। तो इसीलिए हाथ से कर्म, हृदय से भक्ति और मस्तिष्क से ज्ञान की अर्जन, सत्संग जो अभी हम कर रहे हैं, तो ये इनका जब समन्वय होता है तो एक ऑर्केस्ट्रा बन जाता है, जैसे हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और सबको आनंद आता है, तो सबसे ज्यादा आनंद आपको खुद को आता है। तो महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं महात्मा लोग, क्योंकि महात्मा कौन, महान आत्मा, जिनकी आत्मा महान बन चुकी है। हम लोगों की आत्मा अभी महान नहीं हुई है, अभी हमारी छोटी आत्मा है, क्योंकि हमें सत्संग के लिए मेहनत करना पड़ता है, संसार की तरफ वृत्ति ज्यादा है, उधर मन भागता रहता है, तो हमको कंट्रोल करके यहाँ बिठाना पड़ता है। जब उल्टा होने लग जाए कि संसार के लिए समय बहुत ही कम रहे और भक्ति में ही ध्यान रहे, तब हम भी महात्मा। लेकिन सबका अलग अलग है, कोई ये कंपटीशन नहीं है कि हमें भाग के ऐसे करना है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये हमारे हृदय की
जो है भूख है, और प्रत्येक की अलग अलग रहती है। तो महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, अर्थात जब हम इसीलिए बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, हैं गुरु के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भगवान कोई शंख चक्र गदा लेके तो थोड़ी आपके पास आ जाएंगे कि अब मैं आ गया हूं बेटा, पूछो क्या पूछना है, ऐसा नहीं होता है। तो केवल जो महात्मा महान लोग हैं, महात्मा लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इस मार्ग को दे दिया है और इसी मार्ग पर चलते हैं, वो भगवान के ही प्रतिनिधि हो जाते हैं। और यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं लक्ष्मी जी को कि मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय संत हैं जो मेरा काम इस धरती पर विचर विचर के कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी बात भगवान भी नहीं टालते हैं जब कुछ संत बोल दें। तो उनके यहाँ सर्वथा, इसका ये मतलब नहीं कि अब अहंकार आ जाए, संत बोले देखो मैंने बोला, ऐसे कई मूर्ख संत भी घूमते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो देने वाला प्रभु ही है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो याचक हैं, बेगर्स बेगर्स ऑल ऑफ अस, जो भी हैं हम भाग मांगते ही रहते हैं, भगवान ये दे दो ये दे दो ये दे दो, मुक्ति भी दे दो। तो वो तो ठीक है, एस्पायरेशन के लिए अच्छा है, वी शुड एस्क फॉर भक्ति, वी शुड एस्क फॉर मुक्ति, दोज आर गुड थिंग्स टू एस्क, बट टू एस्क फॉर वेल्थ एंड दिस एंड दैट एंड द वर्ल्डली थिंग्स, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, ये बीमारी वो बीमारी, अरे ये तो लगा रहेगा भाई, शरीर है, आज नहीं तो कल ये मिट्टी का मटका है फूटेगा। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं यू बिकम केयरलेस, यू डू योर ड्यू डिलीजेंस, आप अपना ध्यान करो, डॉक्टरों को दिखाओ, पट्टी बांधो, जो कुछ हमारा भी है देखो हाथ कब से ऐसे ही चल रहा है, तो ये सब चलेगा। रामकृष्ण परमहंस को तो थ्रोट कैंसर भी था, हंसते थे जोर जोर से जब लोग बोलते थे, माँ काली से क्यों नहीं बोलते ठीक हो जाओ एक मिनट में, बोले यार ये शरीर कैसे, कितने शरीर आए गए, ये शरीर ये तो मटके से क्या अटैचमेंट रखना, वास्तविकता उनकी यही है। यहाँ उनके सर्वथा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, संतों का समागम और हरि की कथा बहुत दुर्लभ है। तो इस कलयुग में आप लोग ये श्रद्धा भाव से एकत्रित करके अपने मन को, अपनी सुविधाओं को आप सब छोड़ के यहाँ आते हो, तो ये बहुत बड़ा भगवान की कृपा है आपके ऊपर, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये धन आपका जो ये संपत्ति है, ये आपकी अक्षय संपत्ति हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टेबल वेल्थ। बाकी आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी यहीं रह जाते हैं, एक टूटी हुई सुई भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है, ये तो जाने वाला है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये समझ लेंगे और इसमें अपना कल्याण कर लेंगे, जो नहीं है उनका हरी राखा, फिर अगली बार सही। भगवान के पास बहुत शक्ति है, बहुत धैर्य भी है, ये लहरें आती रहती हैं समुद्र में, कितनी, कब तक, जब तक समुद्र है तब तक लहर आती रहेगी, इफ नॉट दिस वन नेक्स्ट वन, इफ नॉट नेक्स्ट वन देन वन आफ्टर दैट, वो भी चलता है। तो लेकिन मनुष्य जन्म है ना, तो ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। अब सुत मतलब बच्चे, दारा मतलब बीवी, और लक्ष्मी मतलब धन, हैविंग फैमिली मनी दिस दैट, इवन बैड पीपल हैव इट। रावण के पास किस चीज का कमी था भाई, सोने की लंका थी, सुंदर से सुंदर बीवियां थी, सब, इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा राज्य था, सब कुछ, तो लेकिन क्या नहीं था वो आपको पता ही है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो इसी तरीके से जो है भगवान बताते हैं, ये संत संतों के जब आप सत्संग में आ जाते हो, तो वो आपको, हम आते हैं कौए की तरह चले जाते हैं हम हंस की तरह, और ये वास्तविक सत्य है। और हमारा जीवन तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ही है, कि जब गुरु के चरणों को आपने पकड़ लिया तो वही है जो भजन है, कैसा है, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हमारे पास कुछ क्षमता नहीं है, हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो गुरु की कृपा है, कल को सब चौपट होके बंद हो जाएगा, वो भी हरि इच्छा गुरु इच्छा। लेकिन अपना प्रयास यही रहेगा कि सरस्वती माँ गुरु जी सबकी कृपा रहे और हम सब इस मार्ग पर अंत तक चलते रहें,
और विचलित नहीं हूं, तो ये उनकी कृपा से संभव होता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। लेकिन कलयुग है तो लोग इस बात को कम समझते हैं, आजकल लॉजिक ज्यादा चलता है, मैकॉले की फिलॉसफी, गुरुकुल बंद हो गए हैं, सब कुछ जो जो धर्म और संस्कार की बातें हैं अब दोबारा आ रही हैं, ये सब बातें आजकल के बच्चे दोबारा सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि शरीर में सुख कहाँ है, कहाँ सुख है, कितना सुख लोगे तुम संसार में, धक्का खा खा के परेशान हो जाते हैं लोग। तो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर फूड फॉर द सोल। द सोल इज पार्च्ड, स्टार्विंग, एंड द बॉडीज आर फिल्ड विद फूड एंड हाउसेज आर फिल्ड विद रेफ्रिजरेटर्स, तो वो अच्छा नहीं है। बैलेंस चाहिए। जब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं है तब तक किसी और चीज का कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। अर्थात जिनके पुण्य अभी जागृत नहीं हुए हैं, जिनके थोड़े पुण्य हैं, उनको भगवान बोलते हैं और परिश्रम करो, पहले जाके यहाँ काम करो, वहां काम करो, सेवा करो, कुछ करो, तो तब तुम्हें जाके जब पुण्य एकत्रित हो जाएंगे, व्हेन यू विल हैव इनफ मेरिट्स, देन ओनली यू कैन बी एंटाइटल्ड टू सत्संगा। अदरवाइज आते आते कोई दुविधा आ जाएगा, होते होते कुछ रुक जाएगा, आते आते कोई आपको दोस्त खींच के ले जाएगा और आपका सत्संग छूट जाएगा। ये नियम है। तो जब आपकी पात्रता है तब आप आ पाते हो, और ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की आप सबके ऊपर कि आप सबकी पात्रता स्पष्ट है, तभी तो आप सब लोग कहाँ कहाँ से जुड़ते हो और इस सत्संग से लाभान्वित भी हो रहे हो। तो ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रतिदिन कि भगवान आपने हमको इस इतने अच्छे मार्ग पे लगा दिया है और अभी हमारे पास ये सब, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ये कभी छूटे नहीं, ऐसी प्रार्थना रहे प्रभु से। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः ये तत्व इत्यादि विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वो स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। मतलब कि भगवान जो हैं ये उन्होंने क्रिएशन किया और उसके बाद हम बोलते हैं ना एवरी एटम, भगवान हर कण में जो है विद्यमान है। तो उन विराट के हजारों पैर जांघें बाहें हैं, उन्हीं के वेद आदि पुरुष कहते हैं, इसी में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। एक चीज मंत्र आता है उसको बोलते हैं पुरुष सूक्तम, पुरुष सूक्तम विष्णु जी का, आप गूगल भी कर सकते हो। तो उसमें क्या आता है कि भगवान के हजारों सिर, हजारों बाहें, हजारों पैर, मतलब उनके जो हम रूप हैं, आप और हम, उनकी बात हो रही है कि पूरा ब्रह्मांड में वो कैसे समाये हुए हैं, कण कण में भगवान का वास है, वो उसका पुरुष सूक्तम का सार है, दैट इज द एसेंस ऑफ इट। तो ये भगवान कहते हैं ऐसे ही ये सब वेदों में सब जगह इनका एग्जिस्टेंस है, उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रिय अभिमानी देवता सहित 10 प्रकार के प्राण इत्यादि, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन की सुनाइए। ब्रह्मा आदि की विभूतियां, विभूतियां इज आर ग्लोरीज। देखो भगवत गीता में एक पूरा चैप्टर आता है विभूति योग, है ना, 10वां अध्याय। फिर वो आता है विश्व रूप दर्शन योग इत्यादि। तो विभूति मतलब ग्लोरीज ऑफ गॉड। तो अब उनका, उनकी ग्लोरी समझाइए, जिनके पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों की तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, उससे ये सारा ब्रह्मांड भर गया। तो भगवान मुझे उनकी आप ग्लोरी सुनाइए कि ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम फ्रॉम नॉन डुअलिटी विच इज वन इंटू मल्टीप्लिसिटी विच इज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज। 9 बिलियन तो केवल धरती पे ह्यूमंस हैं इन ऑन दिस स्मॉल लिटिल अर्थ प्लेनेट, जो कि एक कण की तरह है, दिस इज जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल। तो अब आप सोचो कि कहाँ कहाँ फिर यक्ष हैं, किन्नर हैं, समुद्र में कितनी स्पीशीज हैं, ऊपर कितना है, नीचे कितना है, वो सब तो असंख्य है। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का ही भी प्रभु, प्रभु है विराट। So he is the creator of all these things, and we are only a very microscopic event. So हमें जो घमंड घुमंड हो एकदम बंद करके ताले में रख देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को देखेंगे हम इतने छोटे हैं जैसे कोरोना वायरस वायरस नहीं दिखता कहीं किसी को, माइक्रोस्कोप वगैरह साइंटिस्ट को तो दिखता होगा, तभी तो क्योर निकाले हैं, लेकिन हमको नहीं। तो ऐसे ही जो है हम भी प्रभु को नगण्य के बराबर हैं, वी डोंट एग्जिस्ट। और उसमें भी जब हम अहंकार भर लेते हैं तो बिल्कुल ही इवेपोरेट ही हो जाते हैं, समझो। तो ये विराट प्रजापतियों का भी प्रभु है,
ही इज द कॉस्मिक गॉड थ्रू विच क्रिएशन केम, उनसे किन किन प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई इत्यादि ये पूछ रहे हैं. सो हाउ डिड ही क्रिएट सर्ग अनुसर्ग मनवंतर अधिपति, किस तरीके से मनु, देखो मनु इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, वहीं से ही वर्ड आया है मैन, वैन एंड वुमेन है ना, मैन मैन पीछे यू लगा दो तो मनु हो जाता है, मनु वहीं से ही निकला है आपके सनातन धर्म से. आपका धर्म सबसे उत्कृष्ट है, सबसे पुराना है और वहीं से ही सृष्टि का आरंभ भी हुआ है. इसीलिए जो वेदर्स हैं उसका सार अभी तक कोई नहीं पा सका, इसीलिए कोई फाउंडर नहीं है, कोई एक इंसान ने नहीं बनाया, कोई डेट स्टैम्प नहीं लगी हुई है. आपके पास जो है ये वास्तव में ये रिचुअलिस्टिक धर्म नहीं है, ये भगवान को प्राप्त करने का धर्म है. इसीलिए हम हमें अच्छा लगता है जब हम बोले सनातन धर्म. हिंदुइज्म वगैरह तो ये सब इंडिया विंडिया ये सब तो बाद में बनाए हैं, असली नाम भारत है और असली नाम सनातन धर्म है. लेकिन ठीक है, जो भी पीपल यूज दैट इज फाइन, लेकिन उसके अंदर फिर रिचुअल्स बहुत हैं. जब हिंदुइज्म इज्म लग जाता है क्रिश्चियनिटी में, ये वो ये सब डेट स्टैम्प वाली चीजें हैं. लेकिन सनातन मतलब टाइमलेस, धर्मा मतलब राइटियसनेस. इतना सुंदर बात है, इससे बड़ा और क्या बात है. इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, हाथी के पांव में सबका पांव. तो मैत्रेय जी, तो उन मनुओं के वंश इत्यादि क्या क्या हैं ये भी बताइए, और कैसे कैसे ये योनिया इसमें से निकली, नीचे के लोगों की भूर लोगों की विस्तार कैसे हुआ. यही ट्राइंग टू एस्क, हाउ डिड दिस एक्सपेंसिव कॉन्शियसनेस कॉस्मोस केम इन टू बींग, इतना बड़ा. यही तो साइंस अभी भी पूछ रहा है ना, हाउ फार इज इट, हाउ बिग इज इट, हाउ व्हेन वाज इट क्रिएटेड, नो आंसर्स. यही भागवतम में 5000 साल पहले भी पूछे थे यही प्रश्न विदुर जी ने. तो कहते हैं ये इसका विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए, बताइए कि ये जो योनियां हैं, कोई तिर्यक योनि है मतलब कीट पतंगे की छोटी छोटी योनियां, मनुष्य हैं, देवता हैं, सरीसृप हैं जैसे रेंगने वाले जो हैं, और पक्षी, और चार तरीके से योनियां निकलती हैं इस धरती पर. दे आर कॉल्ड जरायुज, स्वेजद, अंडज और उद्भिज. यही तो ये मतलब लाइफ फॉर्म्स, दीज आर ऑल फोर लाइफ फॉर्म्स कमिंग इन डिफरेंट वेज. वन इज कॉल्ड जरायुज, पीपल हु हैव अ यूट्रस, फ्रॉम द यूट्रस कम्स आउट अ बेबी. जैसे ह्यूमंस का भी बच्चा होता है, हाथी का भी बच्चा होता है, गाय का भी बच्चा होता है, इस तरीके से. दूसरा है स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पसीने से और बारिश से जो उत्पत्ति होती है, जो लाइफ फॉर्म्स निकलते हैं वो वहां से आते हैं. जैसे बारिश होती है तो मेंढक दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर चींटियां, और क्या बोलते हैं वो जो गोल गोल स्कॉर, ये अर्थवॉर्म्स, कैटरपिलर, ये जो कैटरपिलर्स, इस तरीके की कई कई चीजें आ जाती हैं ना, ये पसीने से आती हैं. और फिर तीसरा है अंडज, अंडे मतलब जैसे बतख का अंडा, मुर्गी का अंडा, यहाँ से फिर चिकन आता है, चिकन और दी एग, दी ओल्ड सिंड्रोम जो बोलते हैं, तो वो अंडे हैं. और चौथा है उद्भिज, मतलब जो धरती को फाड़ के बाहर निकलते हैं, ये जैसे अब ये आपकी सब खेती आ गई, इसमें चाहे आप अनाज का उगाते हो, मूली उगाते हो, आलू, जो भी है, जो कुछ भी धरती के बाहर बीज रूप से बाहर आता है वही उद्भिज है. तो इसके अंदर ही सब फल फूल पक्षी जो भी सब कुछ है, उड़ने वाले, बैठने वाले, चलने वाले, सब कुछ, जलचर, नभचर, थलचर, ऑल दीज स्पीशीज आर कमिंग आउट ऑफ दीज फोर थिंग्स ओनली. तो ये उत्पन्न होते हैं. श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए. अर्थात भगवान ने जो ये व्यवस्था बना रखी है ना, दिस इज अ प्रोसेस कि यू विल लिव फॉर दिस लॉन्ग, दीज आर योर कर्मास, दीज आर द गुड थिंग्स दैट विल हैपन, दीज आर द प्रॉब्लम्स, और इसके अंदर आपके पास काफी फ्रीडम भी है. तो गॉड का मतलब ही जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, तो यही तो तीन हुए. ब्रह्मा जी ने जनरेट कर दिया, विष्णु जी ने ऑपरेट कर दिया, और भोलेनाथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ये तो होगा ही. तो हमें ये नहीं बोलना, अरे ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, मृत्यु कभी आई ही नहीं, ये थोड़ी है. लेकिन हाँ, समय पे जो हम पीछे से लिखा के लाए हैं, समय के हिसाब से वो हो, अकाल मृत्यु नहीं आए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, सुइसाइड करके कोई फुलिशनेस नहीं कर ले लोग, इस तरीके से जो हम जानबूझकर मूर्खता भरे हरकतें करते हैं, वो हमारी उससे विघ्न
दूर करने के लिए ध्यान करें, पूजा करें, सत्संग करें, वो सब अच्छा है, त्र्यंबकम का जाप करें तो। लेकिन जब हमें जाना है तब तो जाना ही है, और वो कोई भयानक भी बात नहीं है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा जीवन जिए हो तो कबीर जी आस जी बार बार आपको समझाते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ही इज वेटिंग फॉर द ट्रिप, मरने से ही पाई ये पूर्ण परमानंद, उनको तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि वो बोलते अरे ये तो संसार तो पीड़ा जनक हो गया है, मेरे को तो डिफिकल्टी हो रही है इस संसार में। लिटरली ट्रू, आपको हंसी आती होगी लेकिन ये वास्तविकता हो जाती है कई संतों के साथ, साधु संतों के साथ, कि वो उनके पास इच्छा मृत्यु भी रहता है, दे कैन गो एट विल, दे कैन डिसाइड। अपना ध्यान करते हैं, ब्रह्म रंध्र से अपने सिर के, माथे से, मस्तिष्क से फोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो इस शरीर को इतना अहमियत नहीं देते जितना आप और हम चिपके रहते हैं कि ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए, वी आर टू टू अटैच्ड टू द बॉडी, बट ये इट्स ओके बिकॉज वी आर वर्ल्डली पीपल। लेकिन धीरे 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 डिटैचमेंट आना चाहिए। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा समय समाप्त हो गया है, 2-3 मिनट ऊपर भी हुआ है, तो अब हम विराम देते हैं और इसी अध्याय को हम पूर्ण करेंगे 2 हफ्ते के बाद। हरि ओम तत्सत। अब जो आपके प्रश्न हो आप पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। स्वामी जी आपको जन्मदिन की मुबारक। मैं दिव्या, बहुत दिनों बाद आपसे मतलब कि आपका सत्संग ज्वाइन किया। मैं ये जानना चाह रही थी कि विदुर ने कहा, विदुर जी ने कहा, एक प्रश्न पूछा कि ये त्रिगुणी माया बनाई ही क्यों है, बनाई हाँ। क्यों है, तो इसका मुझे जवाब नहीं मिला। आप कृपा करके इसका जवाब तो है ही नहीं। जब जो भगवान की शक्ति है, भगवान जो भी चाहें, अब आप मालिक से पूछो तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी मर्जी, उसके पास शक्ति है, और उसने ये माया का जो ये प्रोसेस क्रिएट किया है कि हम इसमें से आए और चले जाएं, भगवान की लीला है। दैट इज कॉल्ड, जो हमारे साधु संत, इसमें बहुत विश्लेषण हुआ है, मेनी पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट दे से ये अति प्रश्न है। अति प्रश्न इसलिए है, मीनिंग इट्स एन एक्सेसिव क्वेश्चन, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई इज देयर अ होल दैट यू हैव फॉलन इनटू, द क्वेश्चन इज हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट। तो अब माया भगवान ने बनाई क्योंकि उनके पास ये शक्ति है, उन्होंने बना दी। तो अभी हमारे पास, हमको कभी भी ऐसा प्रश्न भगवान से नहीं करना चाहिए, किसी भी संत से, क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं। वैसे अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये हमने इतना बड़ा पीछे एनालिसिस किया था, वी एक्सप्लेन्ड द होल थिंग, हाउ प्रकृति एंड पुरुष कंबाइंड, देन महत्त्व आया, महत्त्व से मानस आया, मानस से इंद्रियां बनी, क्योंकि भगवान की इच्छा हुई। अब आपसे कोई पूछे आपने बच्चा क्यों पैदा किया, व्हाई डिड यू क्रिएट द चाइल्ड, You could have stayed unmarried, isn't it so? तो आपने जब शादी किया, बच्चा किया, तो आपकी इच्छा भाई, आपकी इच्छा। कितने लोग बोलते हैं हमें शादी नहीं करना है, हमें खुश हैं, हम संत बन जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान ने जो डिसीजन ले लिया वो उनकी इच्छा है, और उन्होंने हम सबको इस प्रकृति से, अब हम जुदा हुए हैं, अब जुड़े कैसे, ये भगवान हमको मार्ग दिखा रहे हैं। अब और जब उनसे मिल जाएंगे तो सब प्रश्न ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मिट्टी की सॉल्ट डॉल है, वो समुद्र को मेजर करने चली जाती है लेकिन खुद ही उसमें घुल जाती है। दैट इज द आंसर दैट वी हैव टू से, एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस दैट विल हैव नो आंसर, लाइक यू कैन से व्हाई इज देयर इविल, व्हाई डिड दिस इजराइल थिंग हैपन, व्हाई आर किड्स बीइंग रेप्ड, व्हाई आर बैड थिंग्स हैपनिंग, सो देयर इज नो आंसर टू दीज थिंग्स। मतलब यही, व्हाई डू यू हैव अ बैड ड्रीम, दिव्या जी सपना बुरा क्यों आता है, क्यों आ गया, अच्छा क्यों नहीं आया, क्या आंसर है? So there is no answer to these things. This is just a cosmic illusion that we are all under. And now we have to ultimately, Divyaji, आपका जो ये प्रश्न है क्या है? अगर आप उस पे जाएंगे, थोड़ा और गूढ़ जाएंगे, तो वास्तव में there is no multiplicity. There is none. अभी हमें द्वैत दिख रहा है क्योंकि अभी हमारे लिए वही रियलिटी है। एक किंडरगार्टन के बच्चे को आप पीएचडी लेवल मैथमेटिक्स थोड़ी समझा सकते हो, ही डजंट नो इनफिनिटी, यू हैव टू टेल हिम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वही सिखाना पड़ेगा। तो हमारी भी वही स्थिति है, अभी हम ए फॉर एप्पल, हम बड़े बड़े डिग्रीज होंगी, हम डॉक्टर्स होंगे, वो सब ठीक है, बट इन गॉड्स व्यू वी आर जस्ट लाइक किंडरगार्टनर्स। तो वी फर्स्ट हैव टू क्वालिफाई टू दैट लेवल, फिर भगवान बोलते हैं अच्छा और आगे और आगे और आगे, उसके बाद जब आप महान आत्मा बन जाओगे तो
प्रश्न खत्म, क्योंकि द्वैत है ही नहीं. देर इज नो क्रिएशन, देर आर नो टू, देर इज नथिंग. बट इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट इज द रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन. बट इनिशियली वी टेल पीपल यस देर इज एग्जिस्टेंस, बट देन लाइक जस्ट लाइक देर इज अ ड्रीम, यस देर इज अ ड्रीम, बट इज इट रियल? नो. इज योर एग्जिस्टेंस रियल? द आंसर इज ऑल्सो नो. अल्टीमेटली यही शंकराचार्य जी आपको बताते हैं, यही अद्वैत का प्रिंसिपल है. ठीक है, आई होप दैट हेल्प यू अ लिटिल बिट. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच स्वामी. स्वामी जी, ये डॉक्टर दिव्या सिंगल हैं, दिल्ली की बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं ये. वहां पर इनको अभी अवार्ड भी मिला था पिछले दिनों, तो अच्छा, कांग्रेचुलेशन. और इनकी इतनी नॉलेज है, गीता में बहुत इनको नॉलेज है. इतना सुंदर बात है, हम तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं दिव्या जी. हम दिल्ली प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, कल्पना प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड था. ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी जी, ऐसा कुछ नहीं है. और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्वामी जी. इनको गीता का भी बहुत ज्ञान है, तो हमारे लिए ज्वेल है ये गीता ज्ञान ग्रुप के लिए. अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर बात है दिव्या जी. आपको तो दिल्ली में हमें मिलना पड़ेगा, फिर हम आएंगे अगले साल. जरूर आइएगा, जरूर आइएगा स्वामी जी. इट विल बी सो नाइस. और आपका जवाब बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद. थैंक यू. नो एंड आई एम सो प्लीज्ड, आप सब लोग इतने सिंसियर एस्पायरेंट्स हो. इट गिव्स अस ग्रेट जॉय एंड वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर. हम भी आपसे उतना ही सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ठीक है, भगवान आप सबको सुखी रखे. स्वामी जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है. हाँ जी संतोष जी बोलिए. मैं ये कह रही हूँ कि पितृ पक्ष में लोग बोलते हैं ना कि इसमें पितर नीचे आए होते हैं, तो वो किस फॉर्म में आते हैं? वो तो अभी किसी अपनी किसी योनि में एंजॉय कर रहे हैं, किसी और उसमें, तो किस फॉर्म में वो आए होते हैं ये पितृ पक्ष में नीचे? देखो ऐसा है, वो किसी भी फॉर्म में, वो ये सब मेटाफोरिकल चीजें हैं. नॉर्मली क्या है, इसका मुख्य गोल क्या है कि 3 पीढ़ियों तक हमारे पितृ को अगला योनि नहीं मिलता. मतलब कि इट जनरली, जनरली स्पीकिंग बाय एंड लार्ज, कि जैसे अब आपके डिपार्टेड सोल्स हैं, आपके पेरेंट्स अगर अलाइव नहीं है, तो वो उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और दोनों साइड के मदर फादर के, उनका नाम और गोत्र आपके पास हो, तो जैसे आप यहाँ पर पोस्टल सर्विस से एड्रेस से भेज देते हो तो चिट्ठी पहुंचता है, जैसे आप वेस्टर्न यूनियन भेजते हो तो पैसा पहुंचता है, ऐसे ही जब आपके पास गोत्र है, अपना गोत्र है, अपना नाम है, और श्रद्धा से आप करते हो, तो ये एक साइंस है. This is a science, just like your money is being transferred and banking system is there, much like that. ऐसे ही ये भी एक science है, जो आपके पितर आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, कभी पक्षी के रूप में आ सकते हैं, कभी सटल रूप से आते हैं, फिजिकल फॉर्म जरूरी नहीं है, उसको आप समझें. तो आप जो तर्पण करते हो जल को साउथ में खड़ा करके, अपने आप को सूर्य को देखो ईस्ट में और जल को यहाँ तिलांजलि दो, इसका हमने विधि भी आपको सबको भेजा था, तो देन फ्रॉम दैट एंगल that can be पहली बात तो श्रद्धा रखो. If you don't have faith, then don't even bother doing it, because you are not helping yourself and you are not helping anybody else. श्रद्धा है तो करो, वरना कोई बात नहीं. लेकिन अगर है तो करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र इस सम्मत है. And that's why we do 13 days of Shraddh when the body passes away. 13 din kyon? Why don't we do it for 2 days? Then why do we have to do 13? Iske piche bhi sab scientific reasons hain. Aise nahi ban gaya ki suddenly 13. Kyunki aapka yahan par ek din, yahan par aapka ek mahina aur dev pitrilok ka ek din. ऐसे रहता है, सॉरी देवता, हाँ आपका एक महीना वहां पर एक दिन, और आपका एक साल देवलोक का एक दिन. जैसे लाइट ईयर्स, यू डोंट मेजर लाइट ईयर्स इन माइल्स, राइट? यहाँ से आपका इंडिया कितनी दूर है? 8000 मील दूर है. यहाँ से सूरज कितना दूर है? 92 मिलियन माइल्स. तो यू कैनॉट से आई एम गोइंग 92. तो इसीलिए आपको लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, स्केल ही चेंज हो जाता है पूरा. तो आपका उत्तर यही है कि उसमें पितृ पक्ष में आप श्रद्धा से उस पर विश्वास रखकर मंत्र जाप कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि पितृ अगर खुश नहीं होंगे तो वो आपको श्राप भी देंगे. आपका शरीर नहीं रहता अगर आपके पितृ नहीं रहते. बिकॉज ऑफ देम यू आर अलाइव टुडे, सो देयरफॉर यू ओ देम रिस्पेक्टफुल थिंग. और वो जिस भी योनि में हो,
आपको वो वरी नहीं करो कि कहाँ से आ रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। आप अपना काम करो, नेकी कर और आगे बढ़ जाओ। जब दान दो तो ये नहीं सोचो कि अब मेरा ये पैसा कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, मैंने तो दे दिया, अब ये कुछ क्या। यू हैव डन योर ड्यूटी, मूव ऑन। बस आप अपना पूजा करो, ध्यान दो, धन्यवाद दो, और वो जिस भी योनि में आएंगे वो आके लेके जाएंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो या भाव से नहीं कर रहे हो और जैसे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। समटाइम्स दे इवन कर्स यू बिकॉज दे आर नॉट, यू आर नॉट ट्रीटिंग देम प्रॉपरली। जब आप यहाँ पर भी इंडिया में भी कई लोग अपने माँ बाप का भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं करते, तो फिर ये तो वो तो ऊपर गए हुए हैं, वो बोलते हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं। सो वी स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑल दैट लॉजिक इनटू द इक्वेशन, तो वो ठीक नहीं है। श्रद्धा से करो। हफ्ते में, साल में 2 हफ्ते का मौका मिलता है, जो ध्यान कर लेगा वो कल्याण करेगा। एंड देन दे ब्लेस यू ऑल्सो। आप ही का खून, आप ही का खून है आफ्टर ऑल, इन योर लिनियज दे आर, सो दे विल वांट यू टू सक्सीड। आपका ध्यान करेंगे तो कभी कभी हंस की योनि में आ जाते हैं, कभी कोई कौआ आके कुछ चुग जाता है, बट दैट इज नॉट फॉर अस ह्यूमंस टू डिसाइड। यू नो दीज आर बियॉन्ड, दीज आर डीप थिंग्स। तो यू जस्ट फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स, बट डू इट विद फेथ, भक्ति से करो और छोड़ दो। ठीक है? जी। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछली बार स्वामी जी से हम लोगों ने कहा था तो स्वामी जी ने मंत्र को रिकॉर्ड करके भेजा है पितरों के लिए, और मैं तो बस वही कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी तो मैं, राम जी को इतना ध्यान रहता है कि वो सिर्फ चाहे लोटा ही जल का हम फूलों में चढ़ा दे, लेकिन उस मंत्र को चला के तो लगता है कि बहुत हाँ, एक बहुत स्वामी अच्छा। जी ने ऐसा मंत्र दे दिया हमें कि बहुत ही इस बार अच्छा रहा है। क्योंकि स्वामी जी यहाँ पर क्या है, कुछ खाना वाना बना के देने का अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई लेता ना नहीं। ना, वो उसका उसका ये विधि जरूर रहता है, अमेरिका में भी है, आपके रिचमंड टेम्पल में भी है, कि आप जी पंडित जी को बोलो हमने श्राद्ध करना है, तो वो आपको बता देंगे थोड़ा दूध, थोड़ा दाल, थोड़ा दही, थोड़ा हाँ घी, जो या जो उनको अच्छा लगता था, साथ में दक्षिणा थोड़ा, जो भी जी 21 51 जो भी है। क्योंकि या क्या है, नाउ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल, यू नो ही विल डू द प्रॉपर मंत्रस। जो जो ज्ञान आपको पूरा नहीं है वो कर देंगे, बट इन जी इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन यू गो टू प्लान बी। फिर आप अपने आप अपना श्रद्धा फिर भी करो, यू डू योर प्रेयर्स, जी बट जैसे बिल्कुल अब हमारा तबीयत जब तक ठीक है, हम टायलेनॉल खा लेते हैं, कुछ यू नो क्या है जो ओवर द काउंटर इंडिया में कौन सा मिलता है, पेनाडॉल या जो भी उसका, पैरासीटामोल। या हाँ पैरासिटामोल, वो खा लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा बीमारी होता है तब तो डॉक्टर पे ही जाना पड़ता है ना। दिव्या जी के पास जी नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा कि अब तो तकलीफ आ बस गया भागो, या मीनाक्षी जी के पास सबके आगे। स्वामी जी सारी डॉक्टर हैं यहाँ, तो बस सारी बैठी हैं। फिर ठीक है। स्वामी जी, मैं भी जैसे कल्पना जी ने बोला ना, मैं सुबह वो मंत्र लगा के जल तो दे देती हूँ और फिर फ्रूट ले लेती हूँ। फ्रूट जाके अपने हमारे यहाँ पे सीनियर सेंटर है वहां पे रख खाती हूँ, तो बहुत वो सुंदर, सारा फ्रूट ही सब लोग खा लेते हैं, ले वो लेते हैं देखो दैट्स अ अपने। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल थॉट, बहुत सुंदर बात है। तो हाँ आइडिया इज दैट ओनली। वही तो मैं वही करती हूँ। जब से आपने वो जी मंत्र का बताया, पहले मैं वो नहीं करती थी, पितरों को जल नहीं देती थी, पर आपका मंत्र जब से मिला तब से वही मंत्र लगा लेती हूँ और जल दे और उस देती मंत्र को हूँ। संभाल के रखना है, मैंने तो स्टार्ट हाँ कर हाँ लिया देखो उसको, पूरा कि डिलीट ना एक हो और जाए वो। आपको, हाँ एक और छोटा सा सजेशन दे दें। अगर आपके पास कुशा रहता है, कुशा घास जो है वो हाँ भी हाँ है, हाँ वो लॉन में बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो है, नहीं है तो भगवान से आप मेंटली सोचो आपके पास कुशा है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में बहुत जो मानसिक पूजा है उसका भी बहुत प्रभाव है। सो व्हेन यू आर लैकिंग समथिंग, डोंट बीट योर सेल्फ अप कि अरे पान का पत्ता रह गया, ये रह गया, वो रह गया, इतना नहीं। तो आपको नहीं है कुशा भगवान, तो आइडियली अगर आपके पास कुशा है तो कुशा को यहाँ पर रखकर वहां से जल दो। तो कुशा वैसे भी वो इट वर्क्स एज अ कंडक्टर ना, तो वो आप उसको अच्छे तरह से, आप आसन के नीचे भी कुशा रख के बैठा करो, वो बहुत अच्छा उसमें आपको शायद घास, राइट? हाँ, हाँ जो कुशा हरी हरी घास दूब रहती है दूब ना। दूब ना ना घास ना ना कहते ना, हैं। घास नहीं, वो थोड़ा थोड़ा जंगली घास रहता है। तो जैसे देखो लव कुश, कुश का नाम कुशा पे ही रखा गया था भगवान राम जी के थ्रू। उसका उसको दाबड़ा बोलते, दाबड़ा येलो कलर का आता है, येलो कलर का, आपको पता होगा, कई लोगों को ये पता मुझे मालूम होगा। है यार, दाबड़ा इंडिया में तो दूब घास घास कहते हैं उसको, दूब घास जो बोलते हैं, घास हरी मैंने हरी घास दूब। ही पता हाँ नहीं था। ना ना ना, जी देखो वो जो धरो दूब, धरो बोलते हैं, वो दूसरे धरो दूसरे।
हाँ जो बोलता है स्वामी वो दूसरा है, जो आप बोल रही हैं कल्पना जी वो गणेश जी के लिए होता है, दूर्वा त्रास वो नहीं है। अच्छा, वो ये कुछ ब्राउन कलर का होता है सूखा सा, सूखा जिसका रिंग टाइप का बना करके पंडित जी पहनाते भी हैं। अब गूगल कर लेना कुशा, आपको दिख जाएगा। हाँ वो, हाँ वही, वो ठीक बोले हैं राम जी, ठीक बोले हैं, वो पवित्री बनाते हैं जब भी आप पूजा करते पवित्री हैं, बनाते हैं, पवित्री बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप तो भारत में, कई लोग तो भारत में रहते हैं, तो अगर आपको अपनी 3 जनरेशन के नाम पूरे नहीं पता, तो आप यहाँ पे जब जाएंगे गया जी, तो वहाँ के पंडित के पास सब कुछ रहता है, हरिद्वार वगैरह में भी सन ऑफ 3 जनरेशन। हाँ, सो दे विल लेवल बी गिव यू बाप एट अ बाप मिनिमम यू शुड बाप, नो, आपको पता होना चाहिए आपका गोत्र क्या तीन है और आपके जन नाम पता, नाने का नाम वाले वो होता है, तो वो जो ग्रह होता है ना ग्रहण, तो उसमें पानी में डालते हैं, उसको नाम दाबड़ा बोलते हैं, सूखा घास जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल, बढ़िया। कोई कोई धाम में जाते हैं ना, तो अभी उसकी पूजा उसके साथ करते, पहना कर, रिंग पहना कर, जी हाँ हाँ अभी हाँ डॉक्टर साहब का ऐसे प्रश्न करते। रह गया है, तो डॉक्टर साहब आप भी अपना प्रश्न पूछ लें, क्योंकि हरिओम तत्सत, स्वामी जी को लेट ना हो जाए। प्रणाम अरे हमें स्वामी हमें कुछ नहीं, आपको ज्ञान मिलता जी। रहे, हमारा वार्तालाप चलता रहे, कोई बात नहीं। ठीक जी है ज्यादा सवाल नहीं है स्वामी जी, मगर एक सवाल है। जी आपने जी बहुत बढ़िया बात की कि प्रतिबिंब जो है वो जीवात्मा में रहता है, परमात्मा में नहीं, जी तो जरा एक्सप्लेन करें फिर से एक बार प्लीज। देखो अब हम हिलते हैं, भगवान नहीं हिलते हैं, क्योंकि वो तो एक शक्ति है जिसने आपको बनाया है, तो हमें सुख दुख आता है, प्रतिबिंब वही है ना, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन दैट विल क्रिएट अस, एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए शुद्धिकरण का जो ये मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, इंटेग्रल योगा, कर्म योगा, ध्यान योगा, ज्ञान योगा, ये अंत में क्या है कि हम शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्थिरता ला रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो जैसे ही स्थिरता आएगी, तो प्रतिबिंब जैसे पूर्णमासी का चांद पूरा उसमें आ जाता है, एक तालाब में पूरा प्रतिबिंब दिखता है और सब कुछ दिखता है, तो ऐसे ही वो उसी में आपकी चेतना का विस्तार होता है, इट्स कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, सो योर कॉन्शियसनेस ग्रोज विद इट, एंड व्हेन दैट ग्रोज व्हाट हैपेंस इज यू यू गेट एनलाइटेंड इन वन ऑफ दोज मोमेंट्स, जब तक और एंड एंड थोड़ा हिला वापस आ गए, तो वापस आ गए मतलब कि वी आर मेकिंग प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट्स बट वी हैवंट रीच दैट अल्टीमेट स्टेट येट। तो इसीलिए हम जो हैं नर हैं, भगवान नारायण हैं, लेकिन हम उनका प्रतिबिंब हैं और भगवान बिंब हैं, मतलब सूर्य वही हैं, उनके सूर्य के तो कितने हो जाते हैं प्रकाश, एक शीशा जब टूट जाता है तो उसके 1000 पीसेस हो गए, तो हजारों में सूर्य आ जाएगा, तो पहले एक था अब 1000 हो गए, सब में आ गया, ऐसे ही यही मतलब है उसका जो विदुर जी को समझाए थे यहाँ पर मैत्रेय जी कि यू आर अ इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म, भगवान जो है वो ब्रह्मांडीय शक्ति हैं और आप पिंडांडीय शक्ति हो, सो जैसे चावल का एक दाना आप हो, पूरा संपूर्ण चावल जो जितना भी बना है वो प्रभु की सत्ता है, सो दैट इज हाउ यू आर, विच मीन्स यू हैव द सेम थिंग बट प्रैक्टिकलिटी हैज टू बी एड्रेस्ड, इजंट इट। आप एक आप अपने एक बूंद पानी में, समुद्र से आप एक बूंद पानी निकाल लाए, तो उसमें पनडुब्बी थोड़ी चलाएंगे, यू कैन नॉट पुट अ सबमरीन इन इट, इजंट इट, यू कैंट हैव लाइक वेल्स इन इट, यू कैंट इवन पुट अ स्मॉल फिश इन इट, इन दैट वन ड्रॉप, यू आर दैट वन ड्रॉप, बट व्हाट शुड वी डू, पुट योर ड्रॉप बैक इन टू द ओशन, दैट्स द ट्रिक, अदरवाइज यू ट्राई टू कीप पुटिंग इट द अदर वे, वो गड़बड़ होगा, और होता यही है कि हम अभी छोड़ने को तो तैयार नहीं है, संसार भी अच्छा लग रहा है, भगवान भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, बोथ ऑप्शंस आर गुड, सो व्हाट शुड व्हाट टू डू, सो व्हाट यू शुड डू इज व्हेन यू रियलाइज द मोर यू गिव द मोर यू गेट, मीनिंग जितना, जैसे व्हेन यू गो टू स्लीप व्हाट हैपेंस, डू यू नो यू आर अ डॉक्टर, डू यू नो यू आर अ वर्ल्ड फेमस पर्सन दिस दैट, और डू यू नो यू आर अ सन और अ फादर और अन अंकल और अ वुमेन और अ मैन, नथिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है कब तक, जब तक सुबह उठोगे नहीं, जैसे ही सुबह उठोगे फिर वही सब कुछ वापस आ जाता है, दैट इज वॉट इट इज, तब तक आप जीवात्मा रूप में ही रहते हैं, और जब वो जीवात्मा धीरे धीरे इफेज होना शुरू हो जाए, अर्थात महान आत्मा बनना शुरू हो जाए, भगवान में स्थिर रहना शुरू हो जाए, तो देन इट बिकेम, इट्स द सेम थिंग पुटिंग दैट ड्रॉप बैक। बढ़िया, बहुत बढ़िया,
अति सुंदर। ठीक है श्री राम जी, आपसे बहुत दिन बाद हम मिले हैं, 8 दिन से हमारा यज्ञ चल रहा था, प्रसन्न है कि खत्म हुआ। आपको प्रणाम, बहुत प्रणाम। पापा जी को भी, पापा जी को, रेखा जी को, पापा जी बहुत खुश हो गए आपको देख के। ही इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल। 103 हो गए हैं, स्टिल प्लेइंग फ्लूट्स ना। हां ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है कि हम? आमी जी एक छोटा सा, पर मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर था। आपने कहा ना ध्यान करना चाहिए, करते रहो फिर सफलता मिलती है, आप अपने अंदर झांक सकते हो। कोशिश तो हम सब करते हैं, बड़ी कोशिश करते रहते हैं, पर फिर बीच बीच में जैसे ध्यान उखड़ सा जाता है, राइट? पर फिर मेरे को अपनी मम्मी का वो श्लोक याद आता है कि तुम कोशिश करते रहो करते रहो, आड़े पीछे बीच बीच समय आने पर उठ जाते हैं, राइट? सो समटाइम्स आई फील आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गो इनसाइड, बट समटाइम्स इन बिटवीन आई जस्ट ब्रेक, एंड देन आई थिंक अबाउट माय मॉम्स वर्डिंग, सो इज इट ओके और नो आई शुड नॉट थिंक लाइक दैट। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे you should do what you can do within the limits of your periphery, right? jo jo aapke paas samasyaen hain uske andar jo jo hum sabko kaam karna hai, hum sabki alag alag samasyaen hain, so but having said that, what the wise sages and saints will tell you ki nairantarya dirghkal satkar sevito, teen cheez aa jati hai. nairantarya meaning you continue it every day, so therefore you do it during brahma muhurta. to kab karo? subah jab 3:30 jab sansar so raha hai us samay 4 baje uth ke apna kar lo, uske baad apna din start karo, so then you have already finished your work. to nirantarya means don't let obstacles come in, surmount those. if you have to go to india then you adjust your schedule accordingly ki main fir kis time pe ye kar paunga ki mera ye sleep pattern affect nahi ho, ऐसे ऐसे आपको सोचना होगा। निरंतर मींस, और दीर्घकाल मतलब कि ये नहीं बोलो कि अच्छा हम 3 महीने कोशिश करेंगे, हुआ तो हुआ, तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब कि दीर्घकाल मतलब करते चले जाओ, डोंट क्वेश्चन आप कितनी बार गिरे थे, व्हेन यू वर अ चाइल्ड हाउ मेनी टाइम्स यू फेल बिफोर यू स्टार्टेड वॉकिंग, सो देयरफॉर यू कीप हैव दैट फेथ, कीप इट एंड डू व्हाटएवर यू आर डूइंग। और तीसरा सत्कार सेवितो, मतलब कि डू इट विद जॉय, डोंट रेसल विद योर स्पिरिचुअलिटी, उससे कुश्ती नहीं लड़ना है, उस माला को पकड़ के उसको घृणा से नहीं देखना, अरे 5 और बचे अभी कैसे करेंगे कैसे करेंगे, वो नहीं है। अगर वो सब हो रहा है तो मत करो, शांति से बैठ जाओ। मतलब कि आनंद, जैसे आप अपना भोजन खाते हो उसमें तो आप कंप्लेन नहीं करते, एक रोटी और मांग लेते हो, लेट मी हैव वन मोर, आई एम रियली एंजॉयिंग द फूड, ऐसे ही आप ये भी इसको भी आनंद के साथ रस के साथ ले आओ। Meaning, make spirituality fun. It's not supposed to be something very difficult, very boring. अभी हम ये सत्संग करते हैं तो कैसे 1 घंटा चला जाता है, 1.5 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए जब आपको ध्यान करना या कुछ भी विधि विधान जो भी आप करते हो, लेकिन समस्या क्या आता है जब आपको ब्रेक आ जाता है, अभी कुछ ये आ गया वो आ गया, करते 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 सडनली यू गॉट अ फुल स्टॉप, नाउ यू विल स्टार्ट अगेन 2 वीक्स लेटर, दैट इज योगीज एंड मोस्ट पीपल से यू ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज दैट विल ब्रेक योर पैटर्न, और फिर ऑफ अगेन इज नॉट इनफ, इट इज बेटर देन नथिंग। मतलब अच्छा है कि आप कर रहे हो, लेकिन जब तक निरंतर दीर्घकाल सत्कार सीवितो तीनों नहीं आते, एंड इट डजंट हैव टू बी 3 आवर्स अ डे, ये भी बात है। देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, सब लोग डॉक्टर हैं, आप बता रहे हैं, तो सब लोग बहुत व्यस्त लोग हैं ना, तभी उसमें से समय निकालते हैं बेचारे, उसमें से ही थोड़ा वो कुछ करते हैं, और कितना प्रेशर का जॉब है कि अगर कुछ गलत दवाई दे दिया तो राम नाम सत हो जाएगा किसी का, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी मच अंडर प्रेशर, सो ध्यान करना पड़ता है, फोकस। तो जब मेडिटेट करोगे, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, व्हेन यू आर फोकसिंग, व्हेन यू आर अर्निंग दैट वेल्थ, व्हेन यू गो विल इंप्रूव, आपका सब चीज और शुद्ध होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और आपका जो है हर एंगल प्रोफेशनली भी यू विल बी मच मोर सक्सेसफुल, क्योंकि वही काम आप थोड़े समय में अच्छा करोगे और अच्छा करोगे। तो ये इसीलिए जो आपका प्रश्न है वीना जी, ये जितना सामर्थ्य हो, जितना शरीर साथ दे,
उस हिसाब से कीपिंग योर बॉडी एंड योर फिजिकल हेल्थ एंड अदर कंडीशंस इन माइंड एंड व्हाट यू कैन डू यू कंटिन्यू टू डू इट इज बेटर देन यू नो तो फिर वो सब ठीक है लेकिन वी शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नंबर वन नंबर टू वी शुड कंटिन्यू इट फॉरएवर थैंक यू हरिओम हरिओम ठीक है एनीबॉडी एल्स कुछ और नाम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कुमार जी बहुत धन्यवाद आप तो एकदम प्रोफेशनल्स की तरह तैयार रहते हो ऐसे लगता है जैसे कॉल सेंटर में एकदम प्रोफेशनली बात करते हैं सब कुछ कुमार जी का ये है स्वामी जी 4 बजे से उठ के मेडिटेशन करते हैं ये तो, विपस्सना हमें पता है वो साइलेंट रिट्रीट भी करके आई थी 10 दिन जी, के लिए जी, जी, जी. पिछले साल गई थी ना मेरे ख्याल कुमार जी 2 साल हो जाएंगे अभी 1.5 साल हो गया हाँ 2 साल अभी फिर हम दोबारा जाने वाले हैं लेकिन अभी हमें वो मिला नहीं परमिशन वहाँ से बुक कराया था अभी कोशिश कर रहे हैं दोबारा जाने की 10 दिन के लिए अच्छा वेरी नाइस ठीक है भगवान आप सबको सुखी रखे ऐसे ही जीवन चलता रहे सबसे बड़ा बात है कि आनंद आता रहे और बहुत अगर आनंद आता है स्वामी जी बहुत ज्यादा आनंद आता है स्वामी जी इस आनंद को खाली हम अनुभूत कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में जितना और सब आप सब लोग ये कल्पना जी राम जी का भी बड़ा धन्यवाद है जो ये आप सबको बटोर के बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये स्वामी जी सबका पुण्य इसी को मिल रहा है स्वामी जी शहद के ऊपर तो चींटियां अपने आप आती हैं हम कहाँ बुलाते हैं आपका इतना सुंदर उषा जी का इतना सुंदर प्रवचन रहता है तो सब लोग खुद ही जिसको एक दूसरे से पता चलता है वो जुड़ने की कोशिश करते हैं आप सब पात्र हैं ऐसे ही पात्र बने रहिए आनंद लेते रहिए और इट्स नॉट टू ग्रो क्विकली इट्स टू ग्रो बट सबसे बड़ा बात है कि आप सब में नम्रता है यू आर वेरी डिवोटेड सिंसियर सोल्स भगवान आप सबका कल्याण करे मंगल करे यदि कोई प्रश्न नहीं है तो 3 त्र्यंबकम बोल दें पूरे विश्व के कल्याण के लिए और ये उमा पोगली जी आज जुड़ी है हमारे साथ में आप शायद इनको जानते भी होंगे रिचमंड में ही है ये लोग बहुत पहले हाँ आई थिंक राकेश जी के साथ आप रहते थे ना क्योंकि ये भी मंदिर से बहुत जुड़ी हुई है उमा जी अच्छा बहुत सुंदर स्वामी जी करे उषा जी के साथ बाद में रहती थी उषा राकेश जी हमको याद है ठीक है जी 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 बहुत सुंदर बात है आप उमा जी जरा बाद में फोन करिएगा मेरे पास आपका नंबर नहीं है ठीक है ठीक है चलिए फिर 3 त्र्यंबकम करते हैं स्वामी जी हाँ ठीक है सब हरि भक्त रहिए आनंद में रहिए 2 हफ्ते के बाद आपको पुनः दोबारा हम सत्संग अब विराम देते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे 3 त्र्यंबकम आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे मंगल रहे हरि भक्त रहे और जहाँ जहाँ कष्ट है वो दूर हो और आप सब निमित्त मात्र बने सबका सेवा करने में यू बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम शांति ही शांति ही शांति ही हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत सब सबका मंगल हो कल्याण हो सुखी रहिए हरि भक्त बने रहिए हरि प्रणाम 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 सबको शुभ आशीर्वाद हरिओम प्रणाम